आवारा गोवंशों से अपनी फसलों को बचाने के लिए आगरा जिले के फतेहाबाद क्षेत्र गांव धिमशरी में ग्रामीणों ने 50 से अधिक गोवंशों को बंधक बना लिया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी फिरोजाबाद, मैनपुरी समेत कई जिलों में ग्रामीणों ने छुट्टा जानवरों से परेशान होकर स्कूल और अस्पताल में गोवंशों को बंद कर दिया था। आवारा गोवंशों के आतंक से परेशान धिमशरी गांव के ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर गांव एवं आसपास के खेतों में घूम रहे गोवंशों को खदेड़कर गांव के सरकारी पानी की टंकी में बंधक बना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों को भी इस समस्या के बारे में बताया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। धिमशरी के रहने वाले विजयपाल सिंह नाम है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि 2 बीघा खेतों नाश कर दो बिल्कुल। लोन ले वो भी उठाए हो जाए आ रहे अवरत बैंक के थे। 2 बीघा ठहरी है। 2 बीघा ठहरो भाई में लागे लगाई है। और जी कांटे भरे जाओ। कारण न करो गौ गई न बाउंड्री बा टंकी में धिमशरी टंकी में धिमशरी टंकी भगवान से देखिए लगातार हम सरकार से और जनप्रतिनिधियों से कहते आ रहे हैं कि गौवंश इस समय किसान की फसल में बहुत नुकसान कर रहे हैं। उसी को देखते हुए यहाँ धिमशरी में किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए कल शाम से यहाँ ये पानी की टंकी है यहाँ पर गौवंश को बंद कर दिया है। और हमने इस संबंध में BDO फतेहाबाद से बात की है कि इन गौवंशों को यहाँ से ले जाइए, क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं कि गौवंश को हम पकड़ रहे हैं, लेकिन अब हमने इसी तरह किसान भाइयों ने गौवंश को पकड़ के रखा है कि अधिकारी देखे कहाँ ले जाते हैं इनको। तो सभी किसान भाई और हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन से कि इन गौवंशों को यहाँ से ले जाएं।